हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ जो लोग हमारे साथ नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने लोगों तक जिनसे वो भी हमारे साथ जुड़ सके, विचार विमर्श कर सके और कुछ चर्चा आप लोगों की हम सुन सके। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारा यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज। प्रोमो जो आया उस प्रोमो में हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपने देखा कि प्रोमो यहाँ पे सलमान सर क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं कि एमसी स्टैंड को उन्होंने समझाया, शानिन बनोट का तो उन्होंने एक्ट भी किया जो हम लगातार यहाँ पे एक्ट करते हैं, ये वाला एक्ट करते हैं, ये तो ये एक्ट भी हम करते लगातार, तो वो भी हमें वीकेंड के बारे में दिखा। सलमान सर ने भी कहा कि आप जब मेरे सामने ऐसे ऐसे ये करते हो तो ये क्या है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब ऑडियंस की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है और कहीं ना कहीं टीम सर्वे करती है कि क्या चल रहा है सब कुछ, तो वो वीकेंड के वार पे जब दिखता है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि वीकेंड का वार जनता के सवाल पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे दोनों से पूछा गया, दोनों को कहा गया कि आपकी फाइट है तो आपकी फैमिली को गाली क्यों दी जा रही है, आपका लड़ाई है आपकी फाइट है तो आपस में सुलटाओ ना, आप फैमिली पे क्यों जा रहे हो। तो ये दोनों से एमसी स्टैंड हो या शालिन से सलमान सर क्लियर कट बातचीत करेंगे। और शालिन का तो आपको पता ही है कि तकिया कलाम हो गया वीकेंड के वार पे, उनकी कुछ ना कुछ गलती बनती है या वो शायद वीकेंड के वार से पहले कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनसे उनकी क्लास लगती है। घर के अंदर दो मेहमान भी आए, रितेश देशमुख और जो वाइफ है, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ पूछा घर वालों से और कहा कि क्या चाहते हो, घर के अंदर कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो सबको परेशान करता है। तो यहाँ पे चौंकाने वाली बात तो ये लगी कि अंकित और प्रियंका ने जैसे नाम लिया अर्चना का, ये वही अर्चना है जिसको अर्चनू बेबी कह के आपने इन्वाइट किया था, जिनके जाने से आपने दुख मनाया था, और आप कह रहे हो कि किसी की भी नहीं है, ये झूठी है, ये अपनी भी नहीं है, ये फाइट करती है। तो ये चीज़ें आप लोगों से सुनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पहले शिव ने, निमृत ने और शाजिद खान ने जो कहा था कि अर्चना का नहीं आना ही सही है, और आपने उस टाइम बहुत शोर मचाया था और अर्चना के गलत चीजों पे भी आपने उनका बढ़ चढ़ के उनके साथ योगदान दिया था, उनका सपोर्ट किया था। तो ये भी दिखा ऑडियंस को कि आपकी अब गेम कैसे चेंज हो रही है, अर्चना को आप इतना किनारे क्यों करते जा रहे हो। सबसे मजेदार आज प्रोमो जो दिखा, जो एमसी स्टैंड ने कहा कि घर के अंदर सबसे शरारती और प्रियंका को उन्होंने नाम लिया, और यह भी कहा कि ये खुद ही सवाल पूछती है और खुद ही जवाब दे देती है, तो ये बड़ा फनी था। कहते हैं ना कि कम शब्दों में एमसी स्टैंड बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं, इसलिए टीम को सलमान सर को और एक उनके जो फैन बेस है उनको बहुत पसंद आता है उनका यही एक स्टाइल बोलने का कि वो कुछ भी कह जाते हैं और जबरदस्त कह जाते हैं और असरदार कह जाते हैं, तो ये देखने को मिल रहा है। तो प्रोमो तो आ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंकित जा चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, तो वो तो हम एपिसोड देखने के बाद ही देख पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ। घर वालों के द्वारा शायद किसी को नॉमिनेट किया गया और उसमें लोगों ने शायद अंकित का नाम लिया, तो हम तो इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते, हम एपिसोड देखेंगे उसके बाद ही पूरा विश्लेषण करेंगे कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ और ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि आपको भी पता है कि जो कंटेंट कम दे रहे हैं और शायद वोटिंग उनके पास काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे खिलाड़ियों को भी बिग बॉस देखते क्या, कुछ तो करो घर के अंदर, कब तक घोड़े के नीचे सोते रहोगे। तो आप आए, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा, लाइक सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो फटाफट कर लें और शेयर भी करें इस वीडियो को, हम नई नई अपडेट के लेके आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।